खरगोन जिला अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार भिकनगांव जनपद के नवलपुरा निवासी सरदार सिंह को सीने में चाकू लगने के बाद अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। सरदार सिंह को 5 टाके आए, फिलहाल स्वास्थ्य में सुधार है। सरदार सिंह के बेटे नागेश ने बताया कि गांव के अभिषेक नाम का युवक उसकी चार पहिया गाड़ी के सामने अचानक आ गया था। वाहन रोकने के बाद बहस करने लगा। यह देख उसके पिता सरदार सिंह बीच बचाव करने आए, जिस पर उसने तेज में आकर उन्हें चाकू मार दिया। नागेश के मुताबिक अभिषेक से उनकी पिछले 2 सालों से रंजिश चली आ रही है। सरदार सिंह ने बताया कि वह मछली पालन का व्यवसाय करते हैं, तालाब के अध्यक्ष भी हैं। मछली पकड़ने को लेकर विवाद चला आ रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरदार सिंह, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ में, मैं समझाने गया था, लड़का दो सामने सामने बात कर रहे थे, उसने बुलेरो का कांच उखाड़ा। जब उसको मैं बोला कि कब भाई ये क्या हो रहा है, तो बुलेरो का कांच उखाड़ रहा है, क्यों उखाड़ रहा है? मेरे टक्कर मारी, मैं कैसी मारी मेरे को पता कि माँ का चोर तुम मेरे को पूछना है। उसने और करीब उसको मीटिंग करके आया था मारने के लिए मेरे को। कौन था ये? जयसवाल था। कहाँ रहते हैं? नाम क्या था? जयसवाल नाम नरगांव रहता है। कारण क्या था मारने का? वो 2 साल से पुरानी रंजिश थी वो रंजिश वाल रहा था मेरा, तो उनके समाज तालाब का मैं अध्यक्ष हूँ। जिला पंचायत सदस्य भी हो? हाँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्या पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी किस चीज से मारा आपने? चाकू से। चाकू से मारा? कहाँ लगा था आपको? सीने। कितने टाके है? 5। 5 टाके बता रहे, मैंने तो देखा नहीं कितने टाके। कहाँ रहते हैं? नवलपुरा। कहाँ पड़ता है ये? सिराली के पास में, तिलापुरा पाटा के अंदर। तहसील कौन सी? भिकनगांव। क्या नाम है आपका? सरदार सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।